सो कैसे मेरे भाइयों, स्वागत है सभी का आज की वीडियो के अंदर। सो बस आज की वीडियो को पूरा पूरा वॉच करना, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और खास होने वाली है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिनों से अपने चैनल पे एक्टिव था, करीब एक महीना हो चुका है मेरे को। एक महीने से कुछ भी वीडियो नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रही। तो ठीक है, मैं उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। मैं कुछ काम में फंसा हुआ था, इसी वजह से कोई वीडियो नहीं डाल रहा था। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में एक दो वीडियो डाला करूँ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि मैंने एक माइक परचेस कराया, वो फर्स्ट टाइम कराया मैंने, फर्स्ट बार मैंने किसी ऑनलाइन शॉपिंग करा। ठीक है, तो मैंने एक माइक मंगाया, ठीक है, जो मोनो का माइक है, आप देख सकते हो। आज ही मेरे पास सुबह सुबह आ गया था, ठीक है, मैंने इसको संडे को करा था और ये दो दिन के अंदर मतलब आ चुका था। ठीक है, दो दिन इसको लगा मेरे घर तक आने में और आ चुका है। इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, ठीक है, अनबॉक्सिंग क्या करूँगा। वैसे अनबॉक्सिंग मैंने कर ही लिया था, जब आया था मैंने चेक करा था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मोनो का माइक, ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मैंने आपको पहले बता दूँ। मैं आपको सारे कुछ मैं बताऊँगा कि आपको अगर माइक लेना है तो कौन सा माइक आपको लेने के लिए बेस्ट रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सिर्फ होता है हमारे कैमरे के लिए और हमारे मतलब लैपटॉप वगैरह के लिए, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ। और इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, एक एक्स्ट्रा बैटरी आपको देखने को मिलेगा, और ये होता है जो कॉलर के लिए मतलब लगाया जाता है, कॉलर पे जो आप लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ जो होता है इसके अंदर हमको एक मिनी एक बैग देखने को मिल जाता है, एक छोटा सा बैग जिसके अंदर आप अपना माइक रख सकते हो कैरियर करके। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, माइक कुछ इस तरह का माइक है, ठीक है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का माइक है, जो काफ़ी अच्छा माइक मेरे को लगा। ठीक है, और मैं बताऊंगा क्यों इसमें मेरे को अच्छा लगा। इसका जैक देख सकते हो, इसके और फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो आराम से। ठीक है, फ़ोन में आपके चल जाएगा, अगर नहीं चलता तो आपको ओपन कैमरा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देख सकते हो, यहाँ से कैमरा का और स्मार्टफोन का मतलब यहाँ से होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ से कैमरे का और इसमें होता है, यहाँ से आप कैमरा ऊपर करोगे तो कैमरा पे हो जाएगा और ये हो जाएगा। और इसके अंदर एक बैटरी होता है लगाने का, ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ अगर आपको देखना है तो। यहाँ बैटरी लगा होता है, इसके अंदर पहले से बैटरी लगा हुआ था, ठीक है, तो मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसके अंदर एक्स्ट्रा बैटरी मिलता है, तो ये सबसे अच्छी बात है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बैटरी आपको देखने में मिल जाएगा, अगर बोए कमाई के लोग हो तो उसमें आपको ये देखने को नहीं मिलता एक्स्ट्रा बैटरी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ, ये होगी अनबॉक्सिंग। ठीक है, अनबॉक्सिंग मैंने कर रखी थी, तो फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई माइक लेने जाते हो, ठीक है, तो अगर आपको एक ऐसा मंच चाहिए जिसमें आप आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हो, यूट्यूब की वीडियो बना सकते हो, गाना वाना अगर रैप अगर सॉन्ग करते हो, ठीक है, या किसी भी रिलेटिव से हो, तो ये माइक मैं आपको बोलूँगा बेस्ट है, क्योंकि आप इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हो और आप हमेशा के लिए मतलब फ़ोन में आराम से यूज कर सकते हो, अपने कैमरा में यूज कर सकते हो। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको सस्ते में ही लेना है ऐसा माइक, तो आपको सस्ते में भी मिल जाएगा, तो वो जो माइक आप लोगे 200-300 या 400 के बीच में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सस्ता माइक मिल जाएगा, यही कंपनी का माइक मिल जाएगा और ऐसा ही माइक मिलेगा। बस उसमें ये रहेगा कि आप उसको कैमरे में यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है, उसके लिए आपको मतलब नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ आप मतलब फ़ोन में यूज़ कर पाओगे। इसी कंपनी का माइक होगा, माइक यही रहेगा, बस ये रहेगा कि उसकी लेंथ थोड़ी कम रहेगी, जैसे इसमें आप लेंथ देख सकते हो कितनी लेंथ कम रहेगी इसी कंपनी का माइक। ठीक है, आपको सस्ते में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई माइक लेना है, देखो वो ऐसा मैं आपको बताऊँगा कि ये बेस्ट माइक है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 700 में मतलब मैंने लिया है, मतलब 700 रुपये के बीच में मैंने लिया, क्योंकि अभी ऑफर वगैरह चल रहा था तो मुझे 700 रुपये का पड़ा। ठीक है, अगर आप बोए का लेने जाओगे तो वहीं आप 50 रुपये ज़्यादा 100 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, और बोए की मैं क्वालिटी में बताऊँ तो बोए की क्वालिटी से बेस्ट इसकी क्वालिटी है। ठीक है, मैं आपको क्वालिटी भी इसकी सुना दूंगा मैं आपको वीडियो के एंड में, तो मैं आपको बता दूँ वो ऐसे बेस्ट इसकी क्वालिटी है, इसीलिए मैंने इसको परचेस करा। और उससे कम बजट में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये नई नई कंपनी है इसलिए सस्ते में आपको दे रही है, नहीं तो कल को यही माइक आपको महंगा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये माइक मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इसको मंगाया और इससे मैं आप वीडियोज़ वगैरह इसी से मेरी आएगी। ठीक है, तो ऑडियो को लेकर काफ़ी दिक्कत है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो मेरी जो ऑडियो है कितनी मतलब नॉइस आ रही है मेरी। सो कैसे हो मेरे भाइयों, देखो जैसे कि आप ये जो आवाज़ सुन रहे हो अभी, ये मैं मोनो कोई माइक से मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो कि इसमें कितना फ़र्क आ गया मेरी आवाज़ में, पहले से कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया, जबकि मैं बहुत ज़्यादा धीरे भी बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए मेरी आवाज़ में आपको थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल रहा होगा। तो इसकी आप क्वालिटी देखो और मुझे बताओ इसकी क्वालिटी कैसी है, जो मेरी पहली क्वालिटी आ रही थी उससे बढ़िया है, क्योंकि जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था इससे पहले वो मेरा एक सिंपल सा माइक था।
ठीक है, मतलब सिंपल सा एक माइक था, मतलब एयरफोन जिसको बोलते हैं, जो लीड होती है हमारी, उससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। और अभी ये जो ये मोनो को माइक से मैं कर रहा हूँ, तो आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो। और मेरे घर के पास में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब गाड़ी उड़ी होती है, फिर भी आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो। और इसका नॉइज़ कैलकुलेशन देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा नॉइज़ कर रहा है, ठीक है। अगर आपका घर मतलब कुछ अच्छे एरिया में है, तो समझ लो ये माइक आपको बिल्कुल भी नॉइस नहीं आने देगा, ठीक है। बहुत अच्छा नॉइस को इंसुलेशन है इसका, ठीक है। तो आप उसको माइक लेना है तो आप सिंपली गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो मोनो का माइक, आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके कम प्राइस वाले भी माइक ले सकते हो, इससे भी कम प्राइस वाला एक माइक आता है, वो भी आप ले सकते हो, या आप ये वाला माइक ले सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको लेना है तो फ़ोन के लिए यूज़ के लिए लेना है, तो आप इससे कम वाला लो, लेकिन उसकी लेंथ कम रहेगी, तो वीडियो वगैरह बनाने में दिक्कत आ सकता है आपको, ठीक है। इसके लिए आपको दूसरा फ़ोन लेना पड़ेगा रिकॉर्डिंग करने के लिए, और उसके बाद फिर आपको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा अगर आप वीडियोस वगैरह बनाते हो, ठीक है। तो फिर चलो, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।